नमस्कार, बेस्ट इनकम रिसोर्सेज के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और बात करते हैं IIFL द्वारा रिकमेंडेड एक PSU बैंक में खरीदारी के लिए, क्या उसका टारगेट प्राइस है और कौन सा स्टॉक IIFL द्वारा सुझाए गए हैं, उसमें कितने पे खरीदारी की जाए और कितना टारगेट लेकर चला जाए। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं बाज़ार के मूवमेंट पे। चूँकि 25 सितंबर के दिन के क्लोजिंग की ये वीडियो है और आप देख रहे हैं सारे इंडेक्स रेड में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, निफ्टी मिड 50 हो या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, जिसमें सिर्फ आपको निफ्टी IT में ही अच्छे मूवमेंट हैं, बाकी सभी रेड में नज़र आ रहे हैं। IT सेक्टर सिर्फ आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है। तो चलते हैं डायरेक्ट अब IIFL द्वारा सुझाए गए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो स्टॉक गिरा हुआ है वो है SBIN का, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक, जो कि 280 रुपये 25 पैसे है पे है। ये लगभग 8% गिरा हुआ है, 22 पॉइंट का गिरावट है। चलते हैं, देखते हैं IIFL द्वारा सुझाए गए। हम आ चुके हैं IIFL की साइट पे और यहाँ से देख लेते हैं। IIFL ने जो स्टॉक सुझाया है वो है SBIN का, बाई करने के लिए सुझाया गया है, जिसमें 280 रुपये 25 पैसे पे अभी प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2,50,152.30 करोड़ का है। यदि रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात करें तो 9.30 है, PE रेशियो 10.47 है। स्टॉक व्यू में बाई का रिकमेंडेशन है, जो कि टारगेट प्राइस लेके चलना है 373.95, और ये रिटर्न जो दे रहा है टारगेट रिटर्न वो 33.43 का है। यदि 10,000 आप निवेश करते हैं SBIN में, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको 13,300 के करीब में रिटर्न मिलेंगे टोटल, यानी कि आपने जो रिटर्न पाया वो 3,300 का है पर 10,000 ट्रेडिंग पे। ये रिकमेंडेशन 23 सितंबर का है, ये स्टॉक में गिरने से पहले का है, और इस गिरावट के साथ ही ये स्टॉक और भी ज़्यादा किफ़ायती रेट में मिल रहा है। चूँकि यदि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.7 में से 5 पॉइंट पे ये खड़ा उतरता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है, चाहे वो कमर्शियल इंटरप्राइजेस, लार्ज कॉरपोरेट, पब्लिक बॉडीज एंड कस्टमर सपोर्ट में हो, या ट्रेजरी, या फिर कॉरपोरेट होलसेलर बैंकिंग में हो, बहुत लंबा चौड़ा इसका कारोबार है। नेशनल बैंक ग्रुप में से सबसे बड़ा बैंक है, इसके SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है, और अप्रोक्स 25,000 ब्रांच और 58,000 ATM है। टेक्निकल DMA यदि देखते हैं तो 50 दिन का DMA जो है वो 303.96 रुपये है, जबकि 100 दिनों का 322.79 है, 200 दिनों का 307 है, और 52 वीक हाई या लो की रेंज देखें तो 247.52 रुपये लो है, जबकि 373.80 52 वीक हाई है। अभी ये लो के साइड में है। और स्टॉक यदि हम बात करें तो
अभी मीडियम पे है, नहीं बियरिश है, नहीं बुलिंग बुलिश है। इसमें रिकमेंडेशन में देख रहे हैं, अलग अलग लोगों ने इसमें सुझाव दिए हुए हैं। यूज़र का जो रिव्यू है वो है बाई के साइड में 458 का, जबकि होल में सिर्फ 22 का है और सिर्फ सेल में सिर्फ 65 का है। यानी कि ज़्यादातर लोगों ने बाई के सजेशन दिया है। टोटल जो यूज़र हैं 545 में से 458 ने बाई का रिकमेंडेशन दिया है। यानी कि स्टॉक कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रेट पे मिल रहे हैं। और देख लेते हैं SBI में गिरावट क्यों आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग वैल्यू में सबसे ज़्यादा SBI में 8% का गिरावट है। और यहाँ पे देखिए SBI स्टॉक स्लिप 8% आफ्टर ब्रोकरेज डाउनग्रेड। इसमें डाउनग्रेड ब्रोकरेज ने किया है। स्टेट बैंक चूँकि लगातार देख रहे हैं अच्छा नहीं कर रहा है, जिसके कारण ब्रोकरेज फर्म ने इसमें टारगेट प्राइस काट दिया है, डाउन किया हुआ था, जिसके कारण इसमें अच्छे 8% का गिरावट देखने को मिली है। आज मार्केट में देखेंगे SBI का क्या स्थिति है, उसके बाद में इसमें बाई या सेल का डिसीजन लेंगे। हो सकता है कल 8% गिरा हुआ है तो आज भी गिरे, बट आज इसमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो रेट पे भी अवेलेबल है काफ़ी अच्छी रेट है। बट आज इसमें आप वॉच करेंगे, इसके बाद ही बाई या सेल का डिसीजन लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।